बस इतना कहना था कि दीपिका वहां पर आकर खड़ी हो गई। चंदू ने जैसे ही उसे देखा वो चुप हो गया। उस सोफे पर से उठकर खड़ा होकर और मुस्कुराकर जैसे ही दीपिका के पास गया तो दीपिका पुष्पा आंटी की तरफ देखने लगी और कहा कि आंटी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ बचा है? और अगर कुछ नहीं है तो प्लीज मेरे लिए कुछ बना दीजिए। पुष्पा आंटी ने कहा कि हाँ मैं अभी बनाती हूँ बेटा। इतना कहकर वो दोनों वहां से किचन की तरफ चले गए। दीपिका वापस अपने बेडरूम में चली गई। अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर सूरज को देख रही थी। इधर रणबीर ने मन ही मन कहा कि अच्छा तो तुम अभी भी गुस्से में हो, मैं अभी देखता हूँ कि तुम कब तक गुस्से में रहती हो। उसके बेडरूम का पासवर्ड जानता था इसलिए वो बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चला गया। उसने देखा कि दीपिका खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी इसलिए वो बिना कुछ कहे उसके पास जाकर खड़ा हो गया। तभी दीपिका को एक अजीब सी खुशबू आने लगी। वो रणबीर के परफ्यूम को अच्छी तरह से पहचानती थी, जानती थी, इसलिए उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उसके पीछे रणबीर खड़ा है। इससे पहले कि वो वापस मुड़कर उसकी तरफ देखती रणबीर ने उसे गले लगा लिया। आश्चर्य की बात थी कि दीपिका ने ना ही कुछ कहा ना ही अपने आप को उसकी बाहों से अलग करने की कोशिश की। दीपिका जानती थी कि ऐसे मौके पर चुप रहना सबसे ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि सामने वाला आदमी हर समय यही सोचता रहता है कि उसने कौन सी गलती कर दी। तभी रणबीर ने अपना सिर दीपिका के कंधे पर रखते हुए धीरे से कहा, आई एम सॉरी। वो समझ गया था कि उसने पार्किंग लॉट में कौन सी गलती की थी। वो बिना किसी मतलब के रॉकी से जल रहा था पर पता नहीं वो जैसे ही दीपिका को किसी और से बात करते हुए देखता था उसे बहुत जलन होती थी। ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों का रिश्ता अभी अभी शुरू हुआ था, शायद इसलिए शुरू शुरू में उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी। इनफैक्ट ऐसी फीलिंग आना आम बात है, इसलिए रणबीर को हर समय यही डर लगता था कि कहीं कोई उसे दीपिका से छीन ना ले जाए। रणबीर ने दीपिका को अपनी तरफ घुमा लिया और उसके बाल सहलाते हुए कहा कि प्लीज कुछ तो कहो, तुम्हारी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने तुम्हारी खामोशी को 7 साल तक झेला इसलिए अब मेरे साथ ऐसी ऐसी क्रुएलिटी मत दिखाओ, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी दीपिका। दीपिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुमसे पहले ही कहा था ना कि मेरे और रॉकी के बीच कुछ नहीं चल रहा, फिर भी तुम बिना किसी बात के जलते रहते हो। तुमने पार्किंग लॉट में जो भी कुछ किया था उसकी कोई जरूरत नहीं थी रणबीर। चुप रहकर दीपिका को भी अच्छा नहीं लग रहा था पर वो जानती थी कि ऐसा करना जरूरी है, नहीं तो रणबीर आगे चलकर ऐसी गलती करता रहेगा। इसलिए बिना कोई फीलिंग दिखाए वो उससे रोबोट की तरह बात कर रही थी। रणबीर ने वापस उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि प्लीज दीपिका माफ कर दो मुझे, मुझे पता है कि मुझसे क्या गलती हुई है। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस बात का ध्यान रखूं और दोबारा ये मिस्टेक ना करूं, दीपिका ने कहा। अच्छा यही होगा कि तुम दोबारा इस बात को दोहराना नहीं, हाँ ये तो हमारे बीच में बिना मतलब झगड़े होते रहेंगे और मैं बार बार तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं तो तुम्हें भी तो मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए ना। अगर मैंने कहा कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा तो उसका मतलब यही है कि मेरा चक्कर किसी से नहीं चल रहा। इसलिए जब तक तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं सीख लेते तब तक इस रिश्ते का कुछ नहीं होगा रणबीर। रणबीर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी कोई हरकत दोबारा से ना करूं, फिर से कोई बेवकूफी ना करूं। दीपिका ने पूछा, क्या मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव कर सकती हूँ? फिर रणबीर ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पूरी तरह से इस चीज को फॉलो करूंगा, मैंने बस इतना कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी गलती करने से बचूं, ओके? हाँ, पर तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, दीपिका ने कहा। क्या? रणबीर ने कहा, प्लीज आज के बाद कभी भी मुझसे बात करना बंद मत करना, जब तुम कुछ नहीं कहती हो ना तो मेरी जान निकल जाती है। चाहे झगड़ा कितना भी छोटा हो बड़ा हो पर प्लीज तुम मुझसे बात करते रहना। अगर तुम मेरे ऊपर चिल्लाना चाहती हो तुम चिल्लाओ पर कभी चुप मत रहना, चुप रहती हो तो सच में मेरी जान निकल जाती है दीपिका। रणबीर की बातें सुनकर दीपिका को उस पर बहुत प्यार आया और साथ में तरस भी आ रहा था। उसने कहा कि ठीक है पर आज के बाद में मैं तुमसे ना कभी बात करना बंद तो नहीं करूंगी पर ऐसा करना नहीं, ओके? तभी रणबीर ने दीपिका का हाथ पकड़ दिया और कहा कि तुमने आज लंच भी नहीं किया था,
इसे चलो चलकर शाम का खाना खाते हैं। तुम्हें पता भी है लंच के टाइम पर मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। उसे कहाँ चली गई थी तुम? ये सुनकर दीपिका हंसने लगी और कहा कि मैं अपनी सीक्रेट लैब में गई थी। हाँ, मेरा लैब नीचे अंडरग्राउंड में बना हुआ है और इसके बारे में तुम्हें पता नहीं चलेगा। रणबीर ने सुनकर चौंक गया और उसने कहा कि क्या तुम सच बोल रहे हो? दीपिका ने कहा, हाँ मैं तुम्हें कभी वहां लेकर चलूंगी, पर अभी चलो चलकर खाना खाते हैं। शाम का खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। दीपिका के पूरे बदन में दर्द हो रहा था, इसलिए वो गर्म पानी से नहाना चाहती थी। वह अपनी आंखें बंद करके बाथटब में लेटी हुई थी। उसने धीरे से कहा कि अगर पूरे दिन की थकान के बाद इस तरह से नहाने का मौका मिल जाए तो बाय गॉड ऐसा लगता है यू आर इन हेवन, ये स्वर्ग से कम फील है। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ती है, अगर तुम मुझे अपने साथ नहाने दोगी तो ये स्वर्ग और भी सुंदर हो जाएगा। अचानक इस आवाज को सुनकर दीपिका चौंक गई। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने रणबीर था। उसने चिल्ला कर कहा, रणबीर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी से बिना पूछे उसके बाथरूम में नहीं जाते, सिली। वैसे तो रणबीर उसके बाथरूम के बाहर खड़ा था, पर उसके कमरे की हर चीज क्योंकि शीशे की बनी थी इसलिए बाहर से भी उसके बाथरूम में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। रणबीर भी दीपिका की बात समझता था, इसलिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि दीपिका को ऐसा न लगे कि वो उसे देख रहा है। रणबीर को देखते ही उसने अपने को बाथटब के अंदर छुपा लिया। नहीं चाहती थी कि रणबीर उसके शरीर के किसी भी अंग को देखे। और थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपना सिर बाथटब के बाहर निकाला और रणबीर की तरफ देखा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? इस बार तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हाँ, तुमसे ये किसने कहा था कि तुम मेरे बाथरूम में इस तरह से आ सकते हो? तो तुमने प्राइवेसी के बारे में नहीं सुना है? और वो भी जब मैं नहा रही हूँ, तब तो खासकर तुम्हें नहीं आना चाहिए था ना रणबीर। तुम्हें पता है ना कि मुझे हमेशा से अकेले रहने की आदत है, और सोचो अगर कोई अचानक ही बाथरूम में आकर मुझसे कुछ कहेगा तो मेरी जान निकल जाएगी। इसे तुम्हें ना, यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दिस यार, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो रणबीर। वहीं दूसरी तरफ अब रणबीर की हालत खराब थी। दीपिका की चिल्लाहट को सुनकर वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पा रहा था। उसके कानों में बार बार उसकी आवाज गूंज रही थी, पर अब उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं दीपिका इस बात को लेकर सीरियस ना हो जाए और गुस्सा ना हो जाए और आगे चलकर मे बी वो मुझे अपने रूम में ना आने दे। वो अब इन सब बातों से बचना चाहता था, इसलिए उसने कुछ सोचना शुरू किया। सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सॉरी कहना चाहिए, क्या मुझे प्यार भरी बातें करनी चाहिए। जिस तरह से वो मेरे ऊपर चिल्ला रही थी, इसका मतलब तो यही बनता है कि वो भी गुस्से में है, इसलिए मुझे सोच समझ कर जवाब देना चाहिए। अब काफी देर सोचने के बाद रणबीर अब जवाब देने के लिए तैयार था। कनेक्शन है तुझसे हुआ ये जानू।